है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिग बुल चार सौ बीस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में एग्जैक्टली मंडे मार्केट को कौन से ऐसे अच्छे लेवल्स पर हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है वीडियो पर पहली बार बने जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन हिट कर दीजिएगा सो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी में कौन से अच्छे लेवल्स पर अच्छा मूवमेंट हमें एग्जैक्टली देखने को मिल सकता है ओके तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को मैंने डे टाइम फ्रेम पर लगा रखा है अगर इसी को थोड़ा सा एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर जाके अपन चेक करें क्या स्थिति है हाल फिलहाल मार्केट की हो रही है ठीक है वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट को देखा जाए एक पैरेलल चैनल में मार्केट एग्जैक्टली हाल फिलहाल जो है यहाँ से लगभग इस प्रकार से जो है शो होता हुआ मिल रहा है सो इस प्रकार से एक पैरेलल चैनल भी कहीं कही ना कहीं यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है मतलब एक मार्केट रेजिस्ट पे है अगर इसी वीक मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट कहीं ना कहीं करता हुआ मिलता तो मज़ा आता अगले वीक में मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन हमें जो है टॉप पर मिल रहा है अगर इस ट्रेंड लाइन का वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा ब्रेकआउट मिलता है मतलब मार्केट क्या कहता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने का ट्राई करता है इस हफ्ते जो वीकली मार्केट में अपनी पोजिशनल पोजिशन जो है लेके चलते हैं उन भाइयों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है ठीक है यहाँ की स्थिति देखते हुए तो हाल फिलहाल जो है मार्केट अच्छा बुलिश दिख रहा है लेकिन एक रजिस्ट पर कहीं ना कहीं शो हो रहा है डे टाइम फ्रेम पर मार्केट की क्या स्थिति अगर इसको थोड़ा सा समझा जाए ठीक है एक रजिस्ट में आप सभी को ये दिख रहा है और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेन लाइन को हटा दूँ और एक ट्रेंड लाइन जो है बैंक निफ्टी के टॉप से एग्जैक्टली अपना जो 40,300 अराउंड का एक लेवल था यहाँ से ड्रॉ किया जाए तो भी बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे बड़े रजिस्ट पे यहाँ शो हो रहा है ऑल so, ओवर अपना माइंडसेट क्या हो सकता है मंडे मार्केट के लिए आ, या तो मार्केट आपका जो लास्ट के दो दिन रहे इनका डे लो ब्रेक करें ठीक है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिले क्योंकि दोनों कैंडल्स अपर साइड के जो है एक तो आपका एग्जैक्टली न्यूट्रल पैटर्न है अराउंड अराउंड डोजी टाइप से ठीक है ये और एक है आपका हैमर ठीक है सो दोनों हाल फिलहाल में बेरिश है लेकिन स्थिति ये है अपन ट्रेड जब भी करेंगे मंडे मार्केट को मॉर्निंग में ठीक है जब मार्केट आपका चालीस हजार आठ सौ पच्चीस का लेवल फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव का लेवल है इसके नीचे मार्केट जो है फाइव मिनट फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे ये काफ़ी अच्छा अगर आप थोड़ा इमेजिन करिए आप थोड़ा मार्केट को समझिए पिछले लगभग एक दो तीन चार पाँच छः छः दिन से मार्केट में जो है हाल फिलहाल तक जो है पॉजिटिव कैंडल्स देखने को मिल रहा है अगर मार्केट को ब्रेकआउट भी देना है तो या तो मार्केट यहां होल्ड करके फिर ब्रेकआउट देगा या फिर कहीं कही ना कहीं मार्केट आपको यहां से रिवर्सल प्लान करता है 0.5 0. जीरो पॉइंट थ्री का रिट्रेसमेंट करता है देन मार्केट बूम करता है ये दो स्थिति में अगर मार्केट बाइंग में भी जाना है तो ये दो स्थिति में लगभग मार्केट आपका बाइंग में जाता हुआ मिलना चाहिए डायरेक्टली ही ब्रेकआउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वैसे भी मार्केट एक हाई बना के उसके बाद लो पे लगभग क्लोज हुआ मतलब एक हेमा कैंडस्ट्रिक पैटर्न है तो ओवरऑल अपनों को ये एक लेवल यहाँ पे बनेगा जिसके ब्रेकआउट पे अपन जो है एग्जैक्टली लास्ट टाइम के डे हाई तक की बाइंग के लिए चलेंगे ठीक है इससे ज्यादा ओवर बाइंग में अपन जा नहीं रहे तो अपना माइंड क्या रहने वाला है 40,825 का लेवल कहीं कही ना कहीं काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ, सेलिंग लेवल होने वाला है ब्रेकडाउन के बाद ओके okay. सो so, ये अपना लास्ट दो दिन का मार्केट है वेनसडे एंड थर्सडे का ये मार्केट है आपका एग्जैक्टली exactly, लास्ट uh, का लास्ट डे का मार्केट क्या रहा था एक छोटा सा गेप डाउन मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट पे गया चालीस के लेवल पे गया एक बहुत अच्छा शार्प बाइंग दिखाया देन सस्टेनेबल नहीं हो पाया वापस जो है लेवल्स के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट आता हुआ मिल गया अपना मार्केट का क्या व्यू होने वाला है किस प्रकार अपन मार्केट को जो है देखने वाले इस पर्टिकुलर थिंग बात कर लेते हैं हाल फिलहाल की स्थिति में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन एग्जैक्टली ये लेवल से ठीक है ये आपका एक लेवल है एग्जैक्टली फोर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड का इकतालीस हजार सौ का एक लेवल है जो मार्केट का लिए एक अच्छा रजिस्टर होने वाला है अगर ये लेवल का ब्रेकआउट मिलता है लास्ट टाइम के डे हाई तक के लिए अपन मार्केट में बाइंग कर पाएंगे फ्लैट ओपन होके वहीं अगर फ्लैट ओपन होके लास्ट स्विंग जो है मार्केट ब्रेक करता है अग्रेसिव ट्रेडर्स ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे एक्जेक्टली exactly सेलिंग के लिए याद रखिएगा चालीस हजार नौ सौ साठ फोर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी 40,960 का लेवल जो है अग्रेसिव ट्रेडर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ब्रेक डाउन करता है लास्ट स्विंग का एक्जेक्टली फोर्टी थाउजेंड से 40,825 का टारगेट अपन कहीं ना कहीं पुट साइड का अपना बनेगा एक चीज और क्लियर कर देता हूँ जो सेफ ट्रेडर्स से, है उनका एंट्री ही बनेगा 40,825 के नीचे अपन मार्केट में एंट्री करेंगे रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट करके क्योंकि यहाँ से ये लास्ट स्विंग मार्केट में जितने होल्डर से एग्जैक्टली exactly याद रखिएगा उनका लास्ट स्विंग हाल फिलहाल की स्थिति में एक बड़ा पोजिशनल के लिए ये स्विंग बन रहा है ये बाइंग जोन बन रहा है तो अगर मार्केट ये बाइंग जोन जो है आपका ब्रेक करता है एग्जैक्टली exactly इस पर्टिकुलर लेवल को अपन बोलते हैं डिमांड एरिया अगर ये डिमांड एरिया आपका मार्केट में ब्रेक डाउन होता है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा साफ सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है तो हमारे लिए बैंक निफ्टी का ये व्यू ये एनालिसिस हमारा मंडे मार्केट के लिए होने वाला है ठीक है इसी के बाद अपन निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो अगर अच्छा, अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक करना बनता है साथ ही साथ कमेंट कर ही दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद डे टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी फिफ्टी को समझने का ट्राई करें कि भैया निफ्टी फिफ्टी की क्या स्थिति है निफ्टी फिफ्टी भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छे ट्रेंड ट्रेंडलाइंस अगर यहाँ पर देखें किसी प्रकार का क्या ट्रेंड लाइन हमारा निफ्टी फिफ्टी के लिए यूटिलाइजेशन uh, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया एक ट्रेड लाइन बन रहा है जो लास्ट टाइम का अपना अच्छा खासा हाई बना था निफ्टी फिफ्टी का एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट्टी अराउंड का वहीं से और एग्जैक्टली एक, एक लेवल था अपना एक स्विंग था स्विंग हाई था लास्ट लाइक सिक्सटीन फेब का सोलह फरवरी का एक अच्छा हाई था उसके बाद हाल फिलहाल मार्केट उसी लाइन के रजिस्टर के आसपास दिख रहा है तो अपना माइंड क्या होने वाला है देखो हाल फिलहाल जैसा मार्केट बाइक का दिख रहा है फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पर मैं मार्केट को लगाऊंगा आ, लास्ट का जो आपका डे हाई था अपना मार्केट के लिए क्या व्यू होने वाला है ये मैं क्लियर कर देता हूँ अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है एग्जैक्टली जहाँ क्लोज किया वहीं कहीं आसपास ओपन होके सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स सत्रह हजार छः सौ छत्तीस का एक लेवल है ब्रेकआउट मिलता है एक काफ़ी अच्छा बाइंग ट्रेड बनेगा लास्ट स्विंग के ब्रेकडाउन पे अपन सेलिंग का भी मौका छोड़ेंगे नहीं सेलिंग में थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ा सा कम लेके चलेंगे बाइंग में श्योरिटी के साथ चलेंगे लेकिन स्टॉप लॉस दोनों साइड अपन जो है लगभग देखो निफ्टी में ब्रेकआउट पे अगर अच्छा स्विंग पास ही मिल जाता है यहीं कहीं तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ मजा आ जाएगा अपनों को एक अच्छा बाइंग ट्रेंड क्योंकि डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निफ्टी थोड़ा बाइंग दिख रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड टू सेल दिख रहा है ठीक है ये चीज़ें याद रखिएगा तो अपना ये निफ्टी फिफ्टी के लेवल होने वाले हैं ठीक है दोस्त एग्जेक्टली uh, exactly एक बार फिन निफ्टी पर भी अपन नज़र डालेंगे फिन निफ्टी की क्या स्थिति चल रही है फिन निफ्टी की क्या हाल चाल है सारे लेवल्स जो है एक बार यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ उसके बाद फिन निफ्टी फिन निफ्टी अगर देखा जाए बहुत होल्ड करके चल रहा है अगर मैं फिन निफ्टी का ये लेवल एक सपोर्ट जोन करूँ इसके ऊपर एक जो है रजिस्ट जोन करूँ इस प्रकार उसके ऊपर एक और रजिस्टर तो लाइक हो क्या रहा है फिन निफ्टी पूरा साइडवेज टू बुलिश है ठीक है मार्केट आपका यहाँ कंसोलिडेशन किया ब्रेकआउट किया इसी लेवल का मार्केट रजिस्ट ले रहा था इसी पर्टिकुलर लेवल का मार्केट सपोर्ट देगा यहाँ होल्ड किया तो फिन निफ्टी में हाल फिलहाल की स्थिति में अपन बहुत अच्छे से तो ट्रेड्स नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी अपन अपना क्या व्यू रख सकते हैं एटीन का लेवल है मार्केट ब्रेक डाउन करता है एटीन 90 अराउंड तक के लेवल्स के लिए अपन कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग बन सकती है अपर साइड का ब्रेकआउट मिलता है मार्केट में अठारह हमारे लिए नज़दीकी लेवल है क्योंकि एटीन का लेवल अगर ब्रेक करता है जो कि राउंड लेवल्स की गिनती में है तो कहीं ना कहीं अच्छी बाइंग भी देखने को फिर निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है तो ये ब्रेकआउट स्ट्रेट करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलेशन कर रहा है सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ये वीडियो अच्छा लगा एक लाइक एक कमेंट और एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम पर पहली वीडियो पर पहली बार मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बनता है सब्सक्राइब करना साथ ही साथ इसी चैनल पर डेली मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग नौ बजे से दिन में तीन बजे तक आपके साथ लाइव भी जुड़ते हैं तो हमारे साथ लाइव जुड़ना ना भूले सो हिट द लाइक बटन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा मिलते हैं मंडे मार्केट मॉर्निंग नौ बजे तब तक के लिए ध्यान रखिए मस्त रहिए जुड़ रही है बिग बुलोर टू जीरो के साथ